أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم today due to the reason behind that the COVID-19 the epidemic disease, so that's why we have to be takes online classes. And so my name is Nasir Abbas. I am from so it is my pleasure to that I am as a lecturer here in Rising College. So today I am going to be study the topics of the basics, the topic of basic surveying engineering. The topic, the chapter is the fourth chapter. Today we are studying about the leveling. So leveling, so how we know that, what is the mean of leveling? So this I have already write down here, the leveling. So introduction, first we have to be need an introduction. Introduction of leveling. So the another the part of leveling is the two instruments are very necessary for our leveling, the two instruments. One is the first level, the another is the setup. So the another is we have to be going to be further, the level should be consist in the three parts. So what is a level? Level is mean is that I have already defined here. Leveling is an art and determine the height or depth with respect to of reference of difference point on the surface of level. This is called leveling. Yani level survey ki, yani level jo hai ek survey ki branch hai, jisme hum height aur iske depth, यानी हम क्या करते हैं मालूम, यानी उसी हाइट और डिप को हम डिफरेंस पॉइंट्स में हम लेते हैं, यानी डिफरेंस पॉइंट्स के जो है हम इनको लेवलिंग करते हैं. तो अब हम आते हैं इनमें मेन जो चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने डिफाइन किया, इसके बाद सेटअप्स की बात की मैंने. इम्पोर्टेंस जो है आपका फर्स्ट लेवल है, इसके बाद आपका सेटअप है, इसके बाद जो हमने दूसरी जो तीसरी जो पॉइंट पे हम आए हैं, लेवल शुड बी कंसिस्ट इन थ्री पार्ट्स. लेवल के थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी आपका जो है लेवलिंग हेड है और टेलीस्कोप है और लेवल ट्यूब है. सो इसके लेवलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, यानी लेवलिंग हेड्स में जो हम दिखाएंगे, हमारे पास पूरा ऑटो लेवल हमारे पास है. हम हर पार्ट्स के हम यानी उसकी जो फंक्शंस हैं, अच्छा उनको कैसे हम ऑपरेट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे. तो आपने इस पे ध्यान देना है कि यानी जो इसके टू पैरेलल प्लेट्स हैं, लेवलिंग स्क्रू हैं, तो इसके हम फर्दर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ लेवलिंग? जो लेवलिंग का कंसेप्ट, यानी जैसे हमने कहा कि सर्वे यानी लेवलिंग ब्रांच है, किसकी? सर्वे की ब्रांच है. तो सर्वे की ब्रांच, उसमें हमने ये कहा कि कम्प्लीटली हमें वी हैव टू बी नो, हमें ये मालूम है कि जब हम सर्वे की जब ब्रांच हमने ब्रांच कही, तो इसमें ये है कि आप देखिए इसकी हाइट और जो है उसकी डेप्थ, यानी लेवल मीन इसे हमवार करना, सतह को आपने हमवार बनाना. चाहे वो आप हिली एरियाज में आप यू हैव टू बी डू अ वर्क, आप काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ का यानी लेवल बहुत मस्ट होता है. विदाउट लेवलिंग हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं. कोई बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, जो भी हो, उसके उसमें ज़रूरी ये है कि बिफोर वी हैव टू बिफोर द वर्क एट दैट साइड, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ लेवलिंग. आफ्टर वी हैव टू बी डू अ वर्क एट दैट प्रोजेक्ट एंड दैट साइट. तो जिसने ये लेवलिंग का जो यानी जो साइंसदान है, जो जिसने लेवलिंग, जिसको फाउंडर ऑफ लेवलिंग हम कहेंगे, वो 1661 जो फ्रांसीसी जैसे माइकल्स डिच, जिसने ये चीज़ जो है जिसको फाउंडर ऑफ लेवलिंग कहा जाता है, जिसको फाउंडर ऑफ लेवल कहा जाता है, उसने जो है ये कंसेप्ट और ये चीज़ 1661 में दी है. तो बच्चों आपने इस चीज़ के आपने ध्यान लगाया वो करना है कि जब भी आपको बात ये है कि जब आप समझ में ना आए तो आपने ज़रूर कमेंट कीजिएगा. तो बाकी ये है कि जस्ट इट इज़ अप टू आवर स्ट्रगल. बात ये है कि हमने मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है. कि आप देखें कि जो है इसी एपिडेमिक्स क्वारंटीन की वजह से हमारे क्लासेस रेगुलर क्लासेस तो नहीं हो सके, जो है आप कॉलेज नहीं आ सके,
ताकि हम ये एक आपको गुड जो है विल दे रहे हैं कि आप इससे आप इस्तेफादा करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो है यानी फ्यूचर जो है आपको हम वी वांट नॉट वांट टू सी इन द लॉस इन योर फ्यूचर। तो इस चीज़ का बात ये है कि इस चीज़ का ध्यान ऐसा भी ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आपने ख्याल रखना है और जो है आगे की तरफ बढ़ना है। तो अब हम आगे मशीन की तरफ हम जो है मूव करते हैं, और यानी जैसे लेवल यानी हमारे पास ये जैसे अब हमारे जो हम ओपन करेंगे हम आपको बताएंगे इसके इसमें क्या उसके अहम पार्ट्स हैं। जैसे टेलीस्कोप हमारा जो ऑटो लेवल जो है उसमें मैंने कहा कि दो हमारे पास पास टेलीस्कोप हो गया, एक आपका ट्राईपोर्ट हो गया। ट्राईपोर्ट्स वी कैन बी इजीली मूव, उसको हम जो है आगे पीछे कर सकते हैं ट्राईपोर्ट। सो ट्राईपोर्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्राईपोर्ट वो क्या होता है। फर्स्ट हम जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दी दिस वन ट्राईपोर्ट। ये हमारा जो है ट्राईपोर्ट्स है, ये मानी यानी ये लेग्स हैं, ठीक है। ये इसको ट्राईपोर्ट यानी ट्राईपोर्ट को हम इजी जो है उस ये ट्राईपोर्ट इज ए मूवेबल जो है मूवेबल है जिसको हम जो है इजी इसी को हम एक यानी इसके जो लेग्स हैं इनको हम इजी जो है किसी एरिया में जो है फिक्स करते हैं। तो जैसे मैं अब ये स्क्रूज़ हैं मैं इनको जो है शो लूज करता हूँ ताकि इन स्क्रूज़ को जनाब आला आप देखें। ये ट्राईपोर्ट्स कहता है इसको ये ट्राईपोर्ट कहलाते हैं। सो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग जो है इस चीज़ में आप परेशान हो कि ये जो है आपके पास ट्राईपोर्ट्स हैं। तो देखिए बच्चे हम इसको इस मशीन को यानी इस डिवाइस को ये ट्राईपोर्ट जो है हमारे पास ये आपके पास ट्राईपोर्ट है, इनको इस तरह हमने फिक्स करना है कि जो है ताकि इसको ज़मीन में लैंड में ऐसे हम फिक्स करें कि जो है यानी जो है कोई विंड की वजह से या हवा की वजह से इसमें कोई हरकत ना जाए और ना गिरे। ये तो इन जो नीचे जो नेडल्स नज़र आ रहे हैं ये ट्राईपोर्ट्स के, इनको अच्छे तरीके से इनको जो है ज़मीन में फिक्स किया जाता है। और यहाँ ये स्क्रू है जिससे हम जो टेलीस्कोप ये आपका हो गया दिस इज़ योर द ट्राईपोर्ट्स इसके अंदर आपको पता है ट्राई यानी थ्री इसमें दिस वन एंड टू एंड सेकंड द ट्राईपोर्ट हैज़ कंसिस्ट इन थ्री लेग्स ओके। और यहाँ जो लेवलिंग हेड है यहाँ आपका ये हेड है और इसका ऊपर जो टेलीस्कोप का जो प्लेट जो होगी ये कंसिस्ट ऑफ द टू पिलर्स ऑफ द लेवलिंग स्क्रू, ठीक है। नहीं है ये लेवलिंग हेड है और उसके आप हम जो है दूसरी आप टेलीस्कोप की तरफ जा रहे हैं। ये आपको तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये दिस इज कॉल्ड एन ट्राईपोर्ट एंड द ट्राईपोर्ट्स हैव कंसिस्ट इन द थ्री लेग्स यू नो दिस आर मूवेबल वी कैन बी इजिली बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दे आर वेरी दे आर द मूवेबल्स वी कैन बी स्पैन एंड क्लोज्ड टू डू आवर वर्क इजिली इन आवर वर्क बी आर डन एंड इजिली। ये हमारे पास दिस इज़ आवर टेलीस्कोप ये हमारे पास टेलीस्कोप है आप देखें ये है टेलीस्कोप। तो इसमें बेटा आप इसमें ये देखिए कि आपने हमारे पास इस टेलीस्कोप के अंदर ये हमारे पास ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छा ये जो स्क्रू जो है मूविंग इसमें हम जब ये जो स्क्रू यहाँ नज़र आ रही है ये जो स्क्रू है इसमें जो हमारा ये जो टेलीस्कोप जो है हमारे पास जो तरगट है यानी तरगट जो जो ऑब्जेक्ट को तरगट करता है यानी दिखाता है ये, ठीक है। नहीं है किसको स्टफ को, ठीक। और ये हमारे पास और ये जो है आई पीस कहा जाता है ये छोटा वाला ये हमारी तरफ जो हमारी तरफ होता है ऑब्जर्वर की तरफ होता है और ये जो है आप तरगट की तरफ होता है ये आप लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। नहीं है ये इसमें टू लेंस होते हैं ये लेंस और इसका ये लेंस, ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा यहाँ टोटल जो सर्कल जो हम जो है जो 360 पे जो है ये ऑपरेट करता है, ठीक हो गया। 360 पे हम ये क्या कर लेता है इसी स्क्रू की वजह से जो है ये आपको ये नंबर नज़र आ रहे हैं ये जो नंबर्स आप नज़र आ रहे हैं देखिए यहाँ ये जो है डिग्री जो हमारे हमें दिए गए हैं डिग्रीज़,
ठीक है, इस पे जो है 360 पे ये क्या करता है, रूट मूव करता है, ठीक है। और ये जो आपके पास अब ये जो स्क्रूव है, ये स्क्रूव जो है इसमें ये होता है कि आपको उसको चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस तरगड़ को साफ दिखाता है, ठीक है। आपने उसको जो है जब उसको घुमाएंगे, ठीक है, नहीं मूव कर लेंगे, ठीक है, नहीं ये स्क्रूव को, तो आपको क्या करेगा, उस जो तरगड़ जो स्टफ़ जो है उसको आपको जो है साफ दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ जो मेन जो चीज़ है हमारे पास बबल ट्यूब है, ये हमें जो है लेवलिंग में हम कैसे हम जो है मालूम करें कि जो है कि आया हम जो है जो हम लेवलिंग, क्या हमारी ये मशीन ऑटो लेवल लेवल पे है। तो ये हमारे पास दिस इज़ अ कॉल बबल ट्यूब, इसको बबल ट्यूब कहा जाता है। और यहाँ ये जो दिखा रहा हूँ आपको फोकस करके, ये रिफ्लेक्शन, यहाँ ये चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है, ये जो बबल जो है रिफ्लेक्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। तो अच्छा ये और बाकी जो अब मैं आई एम गो मैं एडजस्ट करना जो है ट्राईपोड्स के ऊपर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा अब बेटा हमने ये इसके ऊपर आप जो है इसको फिक्स करना है, टाइटनिंग स्क्रू कहा जाता है। एक चीज़ और ये आपने याद रखना है, जैसे मैंने कहा कि ये तरगट हमेशा आपका जो है ये आगे तो उसी स्टफ़ की तरफ होना चाहिए, ये जो है आपका जो जिसको तरगट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये लेंस है, ये लेंस आगे की तरफ होना चाहिए, और जो बैक साइड पे ये जो है ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर जो है लेवलिंग ले रहा है उसकी तरफ होना, जिसको आई पीस कहा जाता है, ठीक हो गया। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है इसमें जो है परेशान हो। ओके अच्छा, अब ये जो ये सामने आपकी नज़र आ रहे हैं कि ये जो स्क्रूफ हैं, ये दो स्क्रूफ्स आप देखें कि अब मैं इसको जो है लेवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेवलिंग में ये होता है कि जो फ्रंट जो स्क्रूज आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेवलिंग स्क्रूज ये दो, इनको आउटवर्ड और इनवर्ड की तरफ अब देखें। अब मैं जो है इसको इनको अब मैं ईजी तरीके से दूसरी जो पॉइंट में इसको घुमा भी सकता हूँ, देखिए कहाँ तक, जैसे मैंने बताया 360 डिग्री तक, 360, ठीक हो गया। अब देखिए ये चीज़ जो है, और अब ईजिली मोशन आराम के साथ अगर मैं ये कर लूँ मोशंस जो है इजी जो है रोटेट जो है मूविंग जो होगी इसका, अब देखिए इससे जो है मूव हो रहा है, ये मूविंग स्क्रू है, आपका टेलीस्कोप जो है मूव कर देगा, ठीक हो गया। और ये जो है अब देखिए, तो अब जो मैं ये जो स्क्रूज हैं इनके ज़रिए जैसे ये बबल्स ट्यूब में, जो बबल ट्यूब्स के बारे में मैंने बताया जैसे रिफ्लेक्ट होता है कि आपके, अब इसके ज़रिए वर्टेड और इनवर्टेड अब मैं इनको ऐसे जो है मैं उसको जो है मूव जो है करवा रहा हूँ वर्टेड और इनवर्टेड की तरफ। अब ये जो है जनाब हमारा जो है लेवल जो है क्लियर हो गया है कि जनाब जी है ये, तो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो अलहदा ये टू के बाद जो आपके पास जो लास्ट जो बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है इसी लेक में, अब मैं इसको जो है थोड़ा और वो कर लूँगा ताकि जो है सही तरीके से जो बबल जो है उसी सर्कल का जो ब्लैक जो सर्कल हमें जो दिया गया है जो सर्कल उसके दरमियान में जो है आ जाएगा। तो ही अब जो है हम इसी तरीके से कोई भी जो है सब्जेक्ट जो हमारा पास होगा उसका हम जो है लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास स्टफ़ होता है। अच्छा ये जो हमारे पास स्टफ़ है, ठीक है, नहीं है स्टफ़ रॉड, और ये बच्चे ये भी याद रखना है कि स्टफ़ किसे कहते हैं, स्टफ़ कहते हैं छड़ी को, ठीक है, नहीं है रॉड यानी स्टफ़, ठीक है, ये स्टफ़ है। और ये सामने जो दिए गए हैं जो रीडिंग्स, दीज आर इन अ मीटर फॉर्म, ये मीटर्स में हम जो है रीडिंग्स लेते हैं। और इसके बैक साइड ये जो हमारे पास जो है ये फुटू में है, इन अ पाकिस्तान इन मोस्टली वी हैव टू बी मायरिंग इन अ फूड्स इन अदर कंट्रीज लाइक आई मीन द यूरोपियन कंट्री यूनाइटेड स्टेट दे आर मेजरिंग दे आर टोटली गोइंग टू इन मेजरिंग और रीडिंग इन अ मीटर्स। सो इसका भी कोई ऐसा जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है परेशान हो कि ये जो है बहुत ईजी जो है आपके लिए जो है ये यानी टू डू वर्क
यानी इजी तरीके से आप किसी चीज़ का लेवलिंग कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। और जो पकड़ता है, जिसको होल रखता है, उसको कहते हैं स्टफ मैन, कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस स्टफ रॉड के अंदर जो हमें जो रेड जो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये रेड डॉट्स को यानी आप जिस चीज़ को यानी जब आप ऑब्जेक्ट को जैसे आप लेवलिंग आप लेते हैं, आपका जो तरगट जो होता है अब रख लेते हैं, तो उस चीज़ में ये आपने ज़रूर ध्यान देना है कि आप ये यहाँ यानी ये वन डॉट, अगर ये वन डॉट आपके पास है तो एक मीटर जो है ऑलरेडी आप जो ये आप एक मीटर गुजर चुका है और नेक्स्ट ये रीडिंग आपका नेक्स्ट रीडिंग है। और इसके साथ साथ आपको इजी तरीके से आप देखिए डिवीजन्स में भी हम जो है इसको जो है मेयर डिवीजन्स में भी हम मेयर करते हैं। और ये 130 यहाँ से अगर ये रेड से क्रॉस करके ये डॉट से या ब्लैक पॉइंट पे आ जाता है तो इसका जब यस पे आता है तो 130.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह ये डिवीजन्स जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये डिवीजन्स हैं, इस पर हम जो है आसानी से हम रीडिंग ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको हमने प्रॉपर जो है लेवल्स के उसके पार्ट्स के बारे में हमने बताया, और इंशाल्लाह जो है फर्दर हम जो वीडियो आप उसको बताएंगे जिसका प्रॉपर किस तरह हम जो है मुकम्मल जो है लेवलिंग करते हैं, उस वक्त हम प्रॉपर मेथड्स हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो टोटली आवर यानी आवर साइड किए हैं, आवर व्यू किए हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर आई मीन सफेकेटिंग्स इन दी वर्ड्स ऑफ द लेवलिंग्स, इसमें फंस जाते हैं, कहते हैं कि लेवलिंग LEVELING एंड द आंसर इज योर LEVELING। दिस लेवलिंग इज द ब्रिटिश वर्ड्स द लेवलिंग एंड सो दिस लेवलिंग द स्पेलिंग यू शुड बी हैव बी केयर हियर ऑफ द स्पेलिंग स्पेलिंग्स एंड लेवलिंग LEVELING इज लेवलिंग इज द British word in a British spelling. So the leveling LEVELING, this is the American spelling words in a leveling. Is they both are the same word. So up I'm going to be summarize my lecture today, and by the grace of Allah and goodbye. If we live in the world, we will see again.